हेलो गाइस, कैसे हो? बोलो ये क्या हो रहा है? नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते करो, अबे नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बटवाल एंड फैमिली ब्लॉग्स, और मेरे साथ है शानू। तो दोस्तों, मैं गया था मार्केट और मैं मार्केट से ले आया लीची। ये है 1 किलो लीची और ये पड़ी है मुझे 120 रुपए किलो। और देखिए वंशु, लीची खाने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? देखो क्या है ये, क्या है बताओ? लीची। देखो कैसे खेल रहा है वंशु लीची के साथ। ओए निकाल दी इसने। और ये देखो लीची निकाल रहे दोनों। ये चलो, और इनकी चल रही है लीची पार्टी। तो देहरादून की लीचियां बहुत फेमस हैं और हम लोकल लीचियां ही खाते हैं क्योंकि होती यहीं पे हैं लीचियां। और ये बहुत प्यारी होती हैं, मिट्टी बहुत अच्छी है। बोलो गाइस, आप भी आ जाओ लीची खाने। बोलो। तो दोस्तों आप भी इंजॉय कीजिए लीची का। ये देखिए लीची कितनी प्यारी लग रही है। तो आज हमारे दिन के खाने में बन रहा है राजमा चावल। तो आपको भी दिखा देते हैं राजमा चावल की रेसिपी। शानू कैसे बनाती है राजमा दिखाता हूँ मैं आपको, और चावल बनाएंगे साथ में। तो आज बनेगा हमारा राजमा चावल। शानू कर रही है चॉपिंग प्याज की, ऑनियन की चॉपिंग हो रही है। और ये हमारा चॉपर, प्याज हमारा चॉप हो गया है। और हम बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में राजमा। तो शायद लोहे की कढ़ाई में कम ही बनाते हैं लोग। बनाते हैं है? लोहे की कढ़ाई में पहली बार बना रहे हैं हम। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। और तेल डाल दिया है और राजमा हमने बॉईल कर दी है पहले ही, कुकर में रखी हुई है, पहले ही हमने बॉईल करके रखी है। पीर की राजमा है, कल ही लाया मैं इसको मार्केट से। इधर देखो बच्चों को, बच्चे लगे हुए हैं मोबाइल में। बहुत मुश्किल है आजकल बच्चों को मोबाइल से अलग रखना। ये देखो बच्चों को मोबाइल से इतना प्यार हो गया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो वंशु को। वंशु, वंशु, जब इसे मोबाइल मिलता है ना, भूल क्या देखना आपको। और ये है श्रियांश, 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 गुड। अब वंशु भी करेगा नमस्ते। चलो वंशु नमस्ते करो, वंशु। और ये रही शानू। तेल गरम हो गया है हमारा, तो जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता भी डाल दिया है। प्याज डाल दिया है, तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं राजमा। आप कैसे बनाते हैं राजमा आप देखिए, और हमारा वीडियो जरूर देखिए राजमा बनाते हुए। प्याज फ्राई कर रहे हैं हम, और आजकल गर्मी इतनी हो रही है कि बस पूछो मत, बस उमस हो रही है एक दो दिन से। श्रियांश को भी गर्मी हो रही है। आपको गर्मी हो रही है? ऐसे क्या कर रहे टमाटर के साथ? उसके बाद हम इधर कर देंगे टमाटर, चॉप कर देंगे इसमें चॉपर में। नानू नहीं, ठीक है।
इसके बाद हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन, और देखो मैं आज लाया हूँ लीची मार्केट से, और वंशु खाएगा लीची। क्या है वंशु, ये क्या है ये बताओ, लीची? हाँ लाओ, पापा छील के दे देंगे इसको, इसका छिलका निकाल के तब खाएंगे। ओके, तो ये इस सीजन की फर्स्ट लीची है, मार्केट में इस टाइम पे बिक रही है 120 रुपए किलो। और वंशु क्या खा रहा है, लीची खा रहे ना? कैसी हो रही, अच्छी हो रही, मिठी हो रही ना? तो यहाँ पे छाने कर रही है टमाटर की चौपिंग, और इधर हो रहा है हमारा प्याज फ्राई, लहसुन प्याज अदरक, और ब्राउन हो गया है, टमाटर डालने की तैयारी है। टमाटर डाल दिया है, इसके बाद हम मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे और नमक ही डालेंगे फिर से, इसके बाद धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, बस। तो ये हमारा बेसिक मसाले हैं, ये हर किसी दाल सब्जी में गिरता ही गिरता है। उसके बाद हमारा एक और मसाला है, इसको बोलते हैं दालचीनी। यार मैं भूल जाता हूँ यार, ये दालचीनी। और ये क्या है, चना या छोले मसाले, इससे खुशबू अच्छी आ रही है। और ये है जीरा मसाला, तो बस काफी मसाले डाल दिए हैं, तो राजमा हो जाएगी हमारी बेहतरीन टेस्टी वाली। काफी मजेदार लग रहा है मसाला, ये देखो, वाह। पकने देते हैं, तो थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, मसाले को पकने देते हैं, टमाटर प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें राजमा डाल देंगे। इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया आधा गिलास, और देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो धुआं कितना अच्छा लग रहा है, भाप है इसकी, खुशबू वाली भाप आ रही है हमें। तो देखिए हमने राजमा डाल दी है, और बन गई है हमारी राजमा, तैयार हो गई है बिल्कुल। हाँ मतलब पकने देंगे इसको, वैसे तो तैयारी हो गई है, सब कुछ डाल दिया है, नमक कम हो रहा था तो नमक और डाल दिया है, बस। तो इसके बाद पानी पकाएंगे हम इसका, दाल तो हमारी पहले से पकी हुई है, बस हम इसमें जो अभी हमने पानी डाला है उसको हम पका देंगे लगभग 10 मिनट तक। और ये देखिए फर्स्ट क्लास राजमा बनके तैयार। और चावल, चावल कहाँ है हमारा, अभी हम चावल चढ़ाएंगे कुकर में, चावल चढ़ाएंगे, चावल रखे हैं हमने यहाँ, ये रहे हमारे चावल। अब ले लिया है मैंने ये हरा धनिया, और अब इसको डालूंगा मैं राजमा में, तो राजमा हो जाएगी हमारी और भी टेस्टी। तो बस डालता हूँ मैं इसको राजमा में, तो ये मैंने हरा देखे धनिया डाल दिया है,
और अब हमारी दाल और भी टेस्टी हो जाएगी। ये देखिए, और इसको कर देता हूँ मैं मिक्स। हमारा चावल बन गया है, ठंडा होना बाकी है। हाँ तो देखो, ये हो गई हमारी राजमा, ये हो गई हमारी दही और ये हो गए हमारे चावल, ये हो गया हमारा सलाद। और हम बैठ के खाते हैं हमेशा नीचे पे, ये देखिए इस तरह से हम बैठ के खाते हैं। अगवंशु क्या कर रहे आप? हाँ शानू ने खा लिया है, खाए थे तूने, खा लिया। और ये अचार हमारा वही है जो मैंने ब्लॉग बनाया था, हरी मिर्च वाला, खत्म हो गया क्योंकि रोज खा रहे हैं हम इसको और बहुत टेस्टी हो रहा था। और श्रियांश ने तो इसका नाम भी रखा हुआ, क्या नाम रखा अपने अचार का? चोलो चिप। हाँ तो वंशु भी खा रहा है भत्ता। वंशु क्या खा रहे हो? जॉनी चिप। हाँ तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर लेना। और जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए आप सब्सक्राइब विद बेल आइकन। और हम खा रहे हैं आज राजमा चावल, और आप क्या खा रहे हैं आप जरूर बताना। तो आज हम राजमा लाए हैं, कश्मीर की राजमा है, तो इसका टेस्ट देखते हैं कैसा होता है। ज्यादातर हम पहाड़ी खाते हैं, तो आज कुछ अलग राजमा है। तो और ये श्रियांश कैसा हो रहा है, खाया आपने? मेरा हाथ जल गया। हाथ जल गया तो गर्म है ना अभी, इसलिए जल गया। तो करते हैं शुरू हम राजमा चावल खाना एक नए ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, अपना और अपने परिवार का रखिए विशेष ध्यान। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय।